मजिस्ट्रेट कुमार साहब, वकील कुमार कौन है? तो मजिस्ट्रेट स्टेट बैंक के पीछे रहता है, ये खुद ही मजिस्ट्रेट है, इसको किसी बात का दिक्कत नहीं होता है, ये किसी का बिजली खराब हो खुद फैसला करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ सबका तली, आप देख रहे हैं ऐसे बोलोक्सी से। और इस वक्त थाने में ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारे अमित सर हैं, और इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे इस बिजली के बारे में। आपको पता था कि नहीं सर, यहाँ बिजली कटा हुआ है या बनने वाला है, इसके विषय में कुछ? बिजली के बारे में थी थोड़ी जानकारी कि यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब है और उसे बनाया जा रहा है, सूचना मिली थी। किसके थ्रू बनाया जा रहा था ये भी पता होगा? किसके थ्रू, मतलब यहाँ के लोगों के सहयोग के द्वारा बनाया जा रहा है, जहाँ तक हमको जानकारी, सब लोग मिलकर करवा रहे हैं, सब लोग मिलकर करवा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा चीज़ को जानकारी रखे हैं, और आप तो उम्मीद है कि आए हैं तो सारा जानकारी आपको मिलेगा ही, और कोशिश करते हैं पब्लिक सभी जानने का कि जीगा सुसरण जो है उनके पहल से जल्दी में बना, और भूमिका अहम है। चलिए अमित जी, बहुत आज सब भी आपसे बहुत बहुत अच्छा खुशी लगा, अच्छी रिपोर्टिंग दीजिए। और यहाँ पर जो है ग्रामीण मौजूद है जो इस बिजली से फ़ायदा उठाते हैं, ग्रामीण भी मौजूद है, और एक हमारे पत्रकार बंधु और आए हैं, देख सकते हैं, इनसे ही आपको बात कराएंगे। जो भी अभी अमित भाई की तरफ से थोड़ा बहुत जानकारी मिला, आवाम से जानने की प्रयास करते हैं कितना दिन से कटा हुआ था। पर एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि हमारे सीसे विधानसभा के जेएमएम का विकास उपसारण होरों की पहल से जो है ट्रांसफार्मर लगाया गया, उसका उद्घाटन भी अभी होगा। और यह जो है हमारे ग्रामीण बता दें, यहाँ के उमर फारूक अंसारी, रोहित जी, रोहित शर्मा जी, और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ जो है जेएमएम के कार्यकर्ता लोग सभी हैं, और सभी के थ्रू जो है कहिए अपना इंट्रोड्यूस करा के कि आप जो है ट्रांसफार्मर को लेकर क्या जो है सोचे और क्या किए आगे जी, करण होरों को जो है कौन खबर दिया? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग का मुस्लिम समुदाय का भी नज़दीक में ईद का पर्व है, ईद का पर्व है, बड़ा पर्व है, और हम लोग का रात में तरावी है, रात में तरावी है, तरावी की वजह से हम लोग का कम से कम 8 से 10 दिन पहले ट्रांसफार्मर हम लोग ख़राब हो चुका है, किसी तरह हम लोग का एक फेज चल रहा था, जिसके कारण हम लोग उसको मस्जिद में कनेक्ट करके हम लोग तरावी पढ़ रहे थे, पूरा खराब हो, खराब होने के बाद हम लोगों ने विधायक से बात किया, विधायक जी बोले कि ठीक है, हम इस ग्रुप से बात कर रहे हैं, विधायक जी का पहल से हम लोगों ने किया और गली लेके आए हम लोग। चलिए, सबसे पहले तो हम माननीय हमारे सीसे विधायक जिया सुसरण जी का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके पहल से इतना त्वरित कार्रवाई हुआ, फाइनली आज जो है ट्रांसफार्मर पूरा क्लियर बन जाएगा जी, पूरा हो जाएगा, भी कट जाएगा जी, हम लोग उद्घाटन भी करेंगे, और इससे हम लोग का पूरा शारदा रोड के जितना भी नागरिक है, जनता, सभी का खुशी का लहर है अभी, हम लोगों ने, काफ़ी गर्मी है, पारा देख लीजिए आप। धन्यवाद अमर जी, और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप भी बताइए सर कि बिजली यहाँ सरदार रोड में नहीं था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, आपका इंट्रोड्यूस करा लीजिए। बिजली नहीं रहने से काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है, गर्मी का मौसम है, दुकानदार लोग है, उन लोग का धंधा बंद हो गया था, प्लस इधर रमजान का महीना, बिजली से बहुत सारा काम होता है, सारा बिजली से ही निर्भर है, चाहे घर वाले हो या दुकानदार हो। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार देवरिया है, सरदार रोड में मेरा राजी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलता है, और ये इनका अहम भूमिका निभाने वाला जो है जीगा सुसरण होरों है, ये भी है पल, हमारे सरदार रोड के सभी उमर अब्दुल्ला हैं जी, रोहित शर्मा जी हैं, इन लोग का काफ़ी भूमिका रहा है, है ना, बाकी कार्यकर्ता सभी को मैं अपने तरफ से काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके बहुत खुशी हुआ। आप भी बात बताइए, पर मेरा नाम तूफान आचार्य है, मैं जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक का। अच्छा, अल्पसंख्यक का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जी? मुझे 8 रोज पहले ही पता चला था कि इधर लाइन नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई पानी के चलते, कोई बिजली से ही पानी आता है, बहुत सारे दुकानदार दुकान भी चलाने में असमर्थ है, हर जगह बिजली के काम लगता है। आजकल हम लोग का रमजान चल रहा है, रात में 2 बजे 1 बजे उठना पड़ता है, अंधेरा में आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ के लोगों ने खासकर से बात किए, और जैसे ही हमारे विधायक जिगर सुसाराम होरों को पता चला और दिलाए ट्रांसफार्मर,
यानी जल्दी से जल्दी हो गया, जल्दी से जल्दी हो गया। और यहाँ जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो विधायक प्रतिनिधि है, विश्वत्री अध्यक्ष है प्रखंड, उन लोग को भी आने का बात था लेकिन किसी कारण नहीं आ पाए हैं, इसलिए हमको यहाँ भेजा गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आए हैं बात करके खुशी हुआ। अभी फीता काटा जाएगा है कि हाँ, फीता काटा जाएगा। और जी और भी लोगों का रिव्यू लेने के प्रयास करेंगे, ये हमारे सर हैं, इनसे बताएंगे। आप बताइए सर, बिजली नहीं होने के कारण से आपको कैसा महसूस हो रहा था, अपना इंट्रोड्यूस करा के। बिजली नहीं रहने के कारण अपना इंट्रोड्यूस करा, गर्मी का दिन है, बिजली सभी को ज़रूरत है, दुकानदार को ज़रूरत है, बच्चा का पढ़ाई बाधित होता है घर में, मुस्लिम भाइयों का रमजान का त्यौहार है, सभी चीज़ को देखते हुए बिजली का अभी के समय में बहुत अहम भूमिका है। बिजली नहीं रहने के चलते घर में नल से पानी का सप्लाई बाधित होता है। और माननीय विधायक जिज्ञासु सारण होरो के पहल पर बहुत जल्द से जल्द इस दिशा पर कार्रवाई हुआ। हाँ, और 24 घंटा के अंदर देखते देखते बिजली पुनः बहाल होने जा रहा है। फीता भी कटेगा, इसमें विधायक जिज्ञासु सारण होरो का बहुत बहुत बधाई, बहुत मतलब मैंने बहुत ही जल्दी इसका कार्रवाई करते हुए लोगों को निदान दिलाए। आपका शुभ नाम क्या? मेरा शुभ नाम नीलेश कुमार शर्मा हुआ, नीलेश कुमार शर्मा। लेकिन इसमें एक ही चीज़ कहना है कि बिजली का जो शट डाउन का जो समस्या है उससे छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाए, शट डाउन। और जिसके कारण है कि जिला को जो राज्य से जो आवंटन है बिजली का, उतना बिजली आवंटन जिला को नहीं मिलता है, जिसके चलते हर एक प्रखंड को शट डाउन का सामना करना पड़ता है और ये कठिनाई है। चलिए आपने बहुत अच्छा बात की सर, और आप भी इससे बिलोंग करते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मैं बताऊं कि यहाँ पर जो है पब्लिक न्यूज़ का रिपोर्टर भी आए हुए हैं अमित जी, और भी पत्रकार आए हुए हैं, और सभी से आपको इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ मैं बता दूं कि जब तक इसका फीता नहीं कटेगा तब तक के लिए मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा, और हर एक एक्टिविटी को आपको बताया जाएगा। और ट्रांसफार्मर बंद के पूरा कंप्लीट है, और अभी फीता काटने का काम होगा। अमित जी से बात कराए आपको, और प्रफुल्ल जी भी है मौजूद है, प्रभात खबर के रिपोर्टर जी, और इनसे भी दो चार शब्द बात करेंगे, पर फीता काटने के बाद बाकी बात किया जाएगा। देख सकते हैं उसके बाद जो है कुछ ही लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, सबसे इंट्रोड्यूस कराना पॉसिबल नहीं होगा। अभी लाइट फिर कब से चालू हो जाएगा उद्घाटन के बाद? तुरंत चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लाइट चालू होने के बाद ही दोस्तों फीता कटेगा, और आज एक बहुत बड़ा परेशानी से जो है छुटकारा मिलने वाला है। देख सकते हैं काफी और फाइनली आज इस परेशानी से बिजली जला के उसके बाद अब फीता काटने का। और देख सकते हैं कितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों के अंदर तीन से चार दिन कितना जबरदस्त सभी के अंदर एक और अभी जो है टीका टक्टर का काम कर किया जा रहा है, और जो है काटा गया, और देख सकते हैं सभी के अंदर जो है छोटे सभी जो है बांटिए। ये हमारे नागेश्वर भाई है, हर जगह जो है 24 घंटा बिजली जहाँ भी कटे। कितना दूर का एरिया आपका है, आप अपना नाम शुभ नाम बताइए। नागेश्वर उराव, जोर से नागेश्वर उराव। नागेश्वर जी आपका एरिया कितना दूर तक है? पूरा सीसी थाना है। 12 बजे रात को भी कोई बुलाता है, आप तत्पर रहते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखिया से। लखिया से बिलोंग करते हैं हमारे नागेश्वर उर्फ राजू।
क्या नाम है? सफीक। आप लोग दोनों हैं, सफीक भाई भी है। ये सफीक जी है, ये भी हमेशा तत्पर रहते हैं। ये आप लोगों का टीम है क्या? हाँ टीम है। कितने लोगों का टीम है? छः आदमी का आप लोगों का टीम है। छो उपस्थित है यहाँ पर? छः अभी नहीं है, पाँच है। बाकी लोगों का, ये स्टाफ लोगों का, किसी को इमरजेंसी हो जाता है 12 बजे रात को, उसका लाइट कट गया है, तो उसके लिए क्या सेवा प्रोवाइड करते हैं? 1 बजे रात में बुलाता था, चल जाते है कि नहीं? हाँ। आपका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाल दीजिए। डाल देंगे, फिर बाद में आपके पास फोन आएगा तो इरिटेट मत होइएगा। नहीं, उसको नंबर मत डालेंगे तो किस बात की स्टाफ था? अभी तो बोल दिया कि आप स्टाफ जाते हैं। आप लोग सभी सरकारी लोग हैं? सभी स्टाफ? हाँ सभी, छः के छः सब सरकारी है। सरकारी में प्राइवेट में करते हैं आप लोग? प्राइवेट में भी आप करते हैं? हाँ प्राइवेट में करते हैं। प्राइवेट में भी करते हैं, एजेंसी है, एजेंसी में हम लोग काम करते हैं। एजेंसी में आप लोग काम करते हैं, है कि नहीं? किस तरह की सेवा प्रोवाइड कराते हैं आप, थोड़ा सा खुल के बताइए इसके बारे में। किस तरह में, जैसे ऑक्सीजन में दे रहा हूँ, कोई लोग नया कनेक्शन ले या किसी को कनेक्शन का दिक्कत हो, उसको कोई रास्ता बताते हैं कि नहीं? आप रास्ता बताते हैं, उसमें फॉर्म भरते हैं हम लोग, है ना? हाँ। जो जिनमें पैसा लगता है, रिजर्व कटता है, उसी के पैसे लेते हैं बस। अच्छा अच्छा। हाँ। और बाकी बात जो है उसका, किसी भी तरह का और ओवर कोई पैसा नहीं? नहीं नहीं, ओवर पैसा कोई नहीं लगता है। तो ये सफीक जी हैं और ये नागेश्वर है, और आपका टीम में इसको भी है, जाती है इश्तियाक भाई भी है, ये भी छठा वार्ड से बिलोंग करता है, और ये भी जो 12 बजे रात को जिसका भी जो भी जरूरत पड़ता है तत्पर है, और ये कुर्सी जी है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आपका शुभ नाम क्या हुआ? एमडी खुर्शीद अंसारी, करकरी से बिलोंग करते हैं। आप भी? आपका नाम क्या हुआ? मजिस्टर कुमार सा। वकील कुमार कौन है? तो मजिस्टर कुमार घर बिहार हुआ इसका, छपरा। आपका कहाँ, अभी कहाँ रहते हैं? अभी शीशे में रहते हैं। शीशे में कहाँ पर? स्टेट बैंक के पीछे रहता है। ये खुद भी मजिस्ट्रेट है, इसको किसी बात का दिक्कत नहीं होता है। ये किसी का भी बिजली खराब हो खुद फैसला करता है, टेंशन नहीं लेना है। आपको जब भी ज़रूरत पड़े इससे संपर्क कर सकते हैं। और कौन कौन है? 1, 2, 3, 4 अबुल भी है, राबुल भी है, वो भी काम करता है, और बाकी लोग देख सकते हैं। सभी लोगों को बिजली से परेशानी थी, सभी लोग जो है आज खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो है बिजली आया है, और रमजान का पहना आज जो ये बताएंगे। 2 दिन बिजली नहीं था सर, आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा था 2 दिन बिजली नहीं था, तो आप बताइए, जोर से बोलिए और बताइए। आपका इंट्रोड्यूस कराइए, इंट्रोड्यूस का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल, करा दीजिए ना बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा समाज मेरा रिवर्स को जरूरत पड़ेगा, मैं यहाँ सीधे के लिए नहीं रहती, पूरा दुनिया के लिए पूछ रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा हुआ। तो बिजली नहीं था सर, आपको कैसा फील हो रहा था? 2-4 दिन बिजली नहीं था, आज तो बिजली पर सभी को ही नहीं था। आज का जो समय है, बिजली के बिना बिल्कुल अधूरा है, और दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट तो बिजली नहीं रहेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लोग इंटरनेट से कट जाएंगे, दुनिया के समाचार से कट जाएंगे। बिल्कुल, मोबाइल जैसे स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बिजली नहीं रहने से आदमी का परिवार जो भी है, घर का चलन वाला वस्तु है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, चाहे वॉशिंग मशीन है, कुछ भी नहीं हो पाता है। अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसान के जिंदगी में जो है अहम भूमिका निभाती है बिजली। बिल्कुल, और आज के दिन फिदा कर रहा तो सभी को खुशी है। बिल्कुल, देख ही रहे हैं आप, सब हर्षित हैं यहाँ पे। तो कुछ 2-4 शब्द सुचारण रोग के बारे में बोल दीजिए। वो तो हमारे एकदम कर्मठ विधायक हैं, और अपने क्षेत्र के लिए हमेशा विकास के लिए लगे रहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके पहल से एक दिन में ही ट्रांसफार्मर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी बात करके और अच्छा मैसेज दिए। और ये संदीप, आप भी कुछ बताओ, बिजली नहीं था तो कैसा फील हो रहा था? कितना कहना आज अपना फीलिंग्स को शेयर कीजिए, बोलिए। बिजली नहीं रहने से बहुत दिक्कत हुआ 2 दिन से, पानी, अभी गर्मी लग रहा है, पंखा नहीं चल रहा था, दिक्कत तो हुआ, लेकिन हमारे अभी खुशी महसूस हो रहा था, पानी या पूरा कट गया तो, है कि नहीं? चलिए संदीप, आपका आपका तो नाम हमें अभी जानते, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा घर यही जगह है। सभी लोग जो है आधारित थे बिजली का कटने से, जो है कहीं ना कहीं सब परेशान थे, परेशान हाल में थे, कठिनाइयों का सामना किए, पर बहुत जल्द जो है जी का सुचारण हो इसका एक्शन लिया, बहुत जल्द जो है बिजली लगवाने के काम किए। इसलिए माननीय विधायक जी, इससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो है हमारे नई बस्ती के वासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह कार्य को करते रहें ताकि आने वाला दिन में जो है आपको याद किया जाएगा, और इस कार्य के लिए कि भी याद किया जाएगा। चलिए, आपसे बहुत बहुत बात करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहते हैं, सभी का खुशी को देख के मैं वीडियो बैन करना चाहता हूँ। अंत में बस इतना ही कहूँगा, कहीं ना कहीं जो है गांव और समाज में जिस जगह भी ज़रूरत पड़ेगा मैं हमेशा तो रहता ही हूँ,
और रहूँगा भी। मेरा वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जो है मेरा वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूले और इसी तरह प्यार मोहब्बत को देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। I'm not afraid of the dark.